डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन के नकलविहीन परीक्षा के दावों को कॉलेज संचालक ही पलीता लगा रहे हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में 277 केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं। उन्हीं में से एक परीक्षा केंद्र बीएस डिग्री कॉलेज हिरनगांव में सचल दल ने सामूहिक नकल पकड़ी। इस परीक्षा केंद्र को तत्काल प्रभाव से डिबार कर दिया गया है। वहीं कॉलेज में परीक्षा निरस्त कर दी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आगरा के साथ ही मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में 277 केंद्रों पर चल रही हैं। परीक्षा के दूसरे दिन सचल दल की सक्रियता का रिजल्ट सामने आ गया। सचल दल की टीम ने सामूहिक नकल पकड़ी। सचल दल की टीम बीएस डिग्री कॉलेज हिरनगांव फिरोजाबाद में पहुंची थी। सचल दल को परीक्षा कक्ष में बोल बोल कर नकल कराते हुए शिक्षक मिले, जिस पर सचल दल ने विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश को मौके से ही सामूहिक नकल की सूचना दी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल इस परीक्षा केंद्र को डिबार करते हुए परीक्षा निरस्त करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय ने नकल विहीन परीक्षा के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जनपदों में बनाए गए 277 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संचालित कराई जा रही है। सचल दल के साथ ही सीसीटीवी कैमरे परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं। विश्वविद्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम से सभी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी की जा रही है। बीएस डिग्री कॉलेज में निरस्त की गई परीक्षा 31 मई को कराई जाएगी। सी न्यूज के लिए लक्ष्मी राज सिंह की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।